रिपोर्टर नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। तकनीकी खराबी के चलते हवा में घंटों तक लटका रहा सुरकंडा देवी रोपवे, 70 लोग थे मौजूद। राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंची राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री आवास में होगी बैठक। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से दर के पहाड़, घरों में घुसा मलबा, भूस्खलन के बाद सड़कें बंद। गुजरात के 6 जिलों में बाढ़ का कहर, कहीं जल भराव तो कहीं टूटे पुल। खराब मौसम और वर्षा के कारण फिर से रुकी अमरनाथ यात्रा। अब समाचार विस्तार से। टीरी के धनौल्टी में स्थित सुरकंडा देवी मंदिर में उस वक्त लोगों की जान हलक में फंस गई जब रोपवे हवा में ही फंस गया। रोपवे के फंसने से लोग सहम से गए। जिस वक्त रोपवे फंसा उस वक्त टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय भी उसमें मौजूद थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लोग करीब आधे घंटे तक रोपवे में ही फंसे रहे। आपको बता दें, इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। रोपवे में अचानक आई टेक्निकल दिक्कत के कारण रोपवे फंस गया था। टेक्नीशियनों की सहायता से रोपवे यात्रा दोबारा शुरू कर दी गई थी। आज राष्ट्रीय पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड प्रवास पर रहेंगी। देहरादून पहुंचकर वह सबसे पहले कचहरी स्थित शहीद स्थल पर राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद वह मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगी। गुजरात में लगातार हो रही वर्षा और अचानक आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं पुल टूट गए हैं तो कहीं पानी भर गया है, जिसके कारण स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण गुजरात के डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में अगले 5 दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में भूस्खलन, घरों में मलबा घुसने और नदी नालों के उफान पर आने का सिलसिला जारी रहा। देहरादून में कार के बह जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लैंडस्लाइड के कारण यमुनोत्री हाईवे समेत 191 सड़कें बंद हो गई। बद्रीनाथ केवल छोटे वाहनों के लिए खुल पाया। देहरादून मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। दूसरी तरफ आपको बता दें, पहाड़ पर जारी बारिश से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर रविवार सुबह चेतावनी निशान के करीब पहुंच गया था। हालांकि दोपहर बाद गंगा का जलस्तर चेतावनी के निशान से नीचे आ गया है। बादल फटने की त्रासदी के बाद आज से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा फिर से रोक दी गई है। खराब मौसम और बरसात के चलते यात्रा को फिलहाल रोका गया है। आपको बता दें, शुक्रवार को जो हादसा हुआ उसके बाद यात्रा को 2 दिन के लिए रोक दिया गया था। स्थानीय प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी।